नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको रैनिटिडीन 150 यानी कि रैनटेक 150 नाम की दवाई के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कई बार हमने क्लिनिक में ये देखा है कि एसिडिटी की वजह से सबसे कॉमनली ली गई दवाई होती है रैनिटिडीन 150 यानी कि रैनटेक 150। ये दवाई बहुत कॉमन होती है और हर एक घर में ऑलमोस्ट पाई जाती है। दरअसल रैनिटिडीन या फिर रैनटेक 150 हमारे पेट में होने वाले एसिड को कम कर देता है। रैनिटिडीन या रैनटेक H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट नाम के एक ग्रुप को बिलोंग करता है। इस ग्रुप में होने वाली दवाइयाँ पेट में आने वाले एसिड को कम कर देती हैं। हमारे पेट में कंटिन्यूसली एसिड का प्रोडक्शन होता रहता है। ये दवाई पेट में होने वाले एसिड का प्रोडक्शन कम कर देती है। प्रोडक्शन ही कम नहीं, ये इस एसिड के प्रोडक्शन की वजह से जो किसी किसी में पेट में दर्द होता है उसे भी कम कर देती है। मोस्ट कॉमनली रैनिटिडीन का प्रिस्क्रिप्शन GERD यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियो रिफ्लक्स डिजीज यानी कि GERD में किया जाता है। इस कंडीशन में छाती में बहुत ज़्यादा जलन होना, एसिड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाना, ऐसे कॉमन सिम्टम्स देखे जाते हैं। लेकिन इस दवाई को कंज्यूम करने के बाद आपको जर्ड की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को, जर्ड से रिलेटेड होम रेमेडीज को फॉलो करना ही होगा। जर्ड में होने वाले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में कुछ कॉमन सजेशंस होते हैं। बड़े बड़े मील्स लॉन्ग इंटरवल्स पे ना लें, इनफैक्ट छोटे छोटे मील्स कंज्यूम करें। अगर आप ओवरवेट हो, ओबीस हो, तो अपना वजन अच्छी तरह से रिड्यूस करें। लॉन्ग इंटरवल्स, दो मील्स के बीच लॉन्ग इंटरवल्स ना रखें। यूजुअली रैनटेक की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स देखे नहीं जाते, लेकिन अगर आपको रैनटेक की वजह से साइड इफेक्ट्स महसूस हो रहे हो तो ये यूजुअली माइल्ड होते हैं और कुछ दिनों में अपने आप सेटल हो जाते हैं। रैनिटिडीन की वजह से सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं डायरिया, नौशिया, हेडेक, ड्राउजीनेस या टायर्डनेस, या फिर किसी किसी को रैनिटिडीन की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। यूजुअली ये सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं और कुछ दिनों में अपने आप से सेटल हो जाते हैं। रैनटेक की अगर आप टैबलेट कंज्यूम कर रहे हो तो ये टैबलेट आप पानी के साथ ले सकते हैं। कई छोटे बच्चों में भी एसिड रिफ्लक्स की शिकायत होती है, तो उन बच्चों में भी रैनटेक का सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है। रैनिटिडीन की दवाइयाँ खाना खाने के आप पहले भी ले सकते हैं या फिर खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि अगर आप ये दवाई किसी फिक्स्ड टाइम पे ले तो इसकी एक्शन और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। अगर आप इसे खाना खाने से पहले ले रहे हो तो इसे रेगुलरली खाना खाने के पहले ले। अगर आप इसे खाने के बाद ले रहे हो तो इसे रेगुलरली खाने के बाद ले। लेकिन सबसे अच्छे इफेक्ट के लिए, सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसे खाने से पहले कंज्यूम करें। रैनटेक या रैनिटिडीन की दवाई को अल्कोहल के साथ कभी भी कंज्यूम ना करें, ये पूरी तरह से अनसेफ माना जाता है। अल्कोहल की वजह से स्टमक लाइनिंग इरिटेट हो जाता है और एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर आप रैनटेक लेते समय अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो इसकी वजह से एसिड प्रोडक्शन और ज़्यादा हो सकता है और एसिडिटी से रिलेटेड कंप्लेंट्स और मैग्नीफाई हो सकती है। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग करते समय रैनिटिडीन सेफ माना जाता है। ड्राइविंग करते समय रैनिटिडीन सेफ माना जाता है। कुछ साल पहले एक स्टडी कंडक्ट किया गया था जिसमें ये पता चला था कि रैनिटिडीन को अगर लंबे समय तक लिया जाए तो उसकी वजह से पेट का कैंसर हो सकता है। अगर आपको रैनिटिडीन का प्रिस्क्रिप्शन बहुत लंबे समय तक किया गया हो यानी कि कई सालों से चल रहा हो,
तो एक बार अपने डॉक्टर से इस साइड इफेक्ट के बारे में जरूर बात करें। मार्केट में रैनेटिडिन के अलग अलग ब्रांड नेम्स की दवाइयां अवेलेबल है। रैनटेक की तरह ही जिनटेक, रैनिटिन ऐसी कई अलग अलग दवाइयां सेम सॉल्ट की अवेलेबल है। अगर आपको रैनेटिडिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया हो या फिर अगर आपको रैनेटिडिन लेना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और रैनेटिडिन की परचेज लिंक पाएं। आपको सही रेट्स में, सबसे बेस्ट रेट में रैनेटिडिन की दवाइयां मिल सकती हैं। ऐसे ही अलग अलग दवाइयों के बारे में, अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।